गुड मॉर्निंग, कंप्यूटर पाठशाला सोनभाषा में आपका स्वागत है। आज का मेरा लैब है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नोटबुक या कॉपी का फ्रंट पेज कैसे बनाते हैं वो हम आपको सिखलाएंगे। देखिए, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट पेज है। तो सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में न्यू पेज लेते हैं, ऑफिस बटन पर क्लिक करेंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट और क्रिएट, ये न्यू पेज आ गया। पेपर को साइज करने के लिए यहाँ से जूमिंग पेज बड़ा कर लेते हैं, जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जो हम जूम पेज को प्लस माइनस के ऊपर खींच कर छोटा बड़ा कर सकते हैं। चलिए, अब मुझे पेज को यहाँ से गाइडलाइन या रूलर बार को सेट यहाँ तक करते हैं। पेज लेआउट में जाएंगे, साइज में जाएंगे और यहाँ से A4 पेज ले लेते हैं। ये मेरा पेज A4 हो गया। अब मुझे क्या करना है कि पेज लेआउट में जाना होगा और पेज कलर में चले जाना है, फिल इफेक्ट में चले जाएंगे, पैटर्न में चले जाएंगे और यहाँ फोरग्राउंड दिया हुआ है, यहाँ से मुझे कलर को ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये जो लाइनिंग दिखाई दे रहा है, ये लाइनिंग का पकड़ के सेलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं, तो पेज कलर ऐसा हो जाता है। अब मुझे स्कूल मेट लिखना है तो इंसर्ट टैब में जाएंगे, शेप में जाएंगे और यहाँ से रेक्टेंगल टूल को पकड़ के यहाँ ड्रैग कर लेंगे, यहाँ से ब्लैक कर लेते हैं। अब इसमें आपको लिखना है स्कूल मेट, तो इंसर्ट टैब में जाकर यहाँ से वर्ड आर्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से कोई ऑप्शन को एक पकड़ लेते हैं, बॉक्स खुलता है, यहाँ पर लिख दीजिए मेट, ओके पर क्लिक कर दीजिए। यदि आपको अक्षर बदलना है तो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ से आप फॉन्ट में जाकर कोई भी अक्षर को बदल लीजिएगा, देख रहे हैं, ओके कर दीजिएगा। अब एक स्थान से दूसरे स्थान ये नहीं जाता है तो इसको सेलेक्ट करना होगा, फॉर्मेट में चले जाइएगा, यहाँ पर टेक्स्ट वाइपिंग दिया होगा, यहाँ से आपको फ्रंट कर देना, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अब देखिए वर्ड स्टाइल में जाकर यहाँ सीधा क्लिक करके यहाँ पर सीधी हो जाएगा, चलिए अब यहाँ पर आ गया। अब ये जो लिखावट है इसको जो कलर है ब्लैक है, हम इसको व्हाइट रखना चाहते हैं, तो वर्ड आर्ट स्टाइल में जाएंगे, यहाँ पर शेप फिल दिया हुआ है, यहाँ से व्हाइट कर देंगे और ये जो आपको स्कूलमेट का जो आउटलाइन दिया इसको नहीं चाहिए तो यहाँ पर क्लिक कीजिए और नो आउटलाइन कर दीजिए। अब इसको यहाँ से पकड़ कर सीधे यहाँ पर खींच दीजिए, आपको ये समझ में आ गया स्कूलमेट कैसे लिखें। हमको देना है रेगुलर, तो इंसर्ट टैब में जाना होगा, शेप्स में चले जाना होगा, अब नीचे आइएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जो आपका ये शेप दिखाई दे रहा है वेब, इस पर क्लिक करके यहाँ से ड्रैग कर दीजिएगा। कीबोर्ड में आपको ये जो बटन होता है यहाँ पर एडजस्ट कर दीजिएगा, ठीक है, जितना आपको साइज में लेना चाहते हैं ड्रैग कर लीजिएगा। अब इसको कलर को शेप फिल में जाकर यहाँ से पीला कर दीजिए और शेप आउटलाइन को यहाँ से नो आउटलाइन कर दीजिए। अब इसमें आपको लिखना है रेगुलर, तो इंसर्ट टैब में जाकर वर्ड आर्ट को प्रयोग करेंगे, यहाँ से कोई पकड़ लीजिए, आप यहाँ पर लिख देते हैं, बड़ा अक्षर लिखने के लिए कैप्स लॉक की में का प्रयोग कीजिएगा और आ लिखकर कैप्स लॉक को बंद कर दीजिएगा कीबोर्ड में रेगुलर। अक्षर को बदलना है तो यहाँ से फॉन्ट में जो आपको अच्छा लग रहा है वो सेलेक्ट करके ओके कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए टेक्स्ट वाइपिंग में जाकर फॉन्ट कर दीजिएगा और देखिए यहाँ पर आइएगा चेंज वर्ड आर्ट शेप में। अब मुझे ऐसा लेटर का स्टाइल चाहिए तो यहाँ पर ये वाला है दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला पकड़ लीजिए, अब इसको ड्रा करके यहाँ से सीधे ला दीजिए, साइज को छोटा कर लेना होगा, ठीक है। ये जो लेटर लिखा हुआ है आप यहाँ से एडिट करके यहाँ से जो बोल्ड दिया गया बोल्ड हटा दीजिए, ठीक है, और ओके कर दीजिए। अब मुझे लिखना है नोटबुक, तो पेज को स्क्रॉल बार जो है थोड़ा सा नीचे कर लीजिएगा, ठीक। अब यहाँ पर नोटबुक लिखना है तो इंसर्ट टैब में जाइए, वर्ड डॉट में जाइएगा और यहाँ से कोई एक पकड़ लीजिए आप लिखने के लिए और लिख दीजिए नोट बुक, ओके कर दीजिए। देखिए नोटबुक यहाँ पर, तो टेक्स्ट वाइपिंग में जाकर फ्रंट कर दीजिए ताकि ये नीचे आ जाएगा, डाल करके आप
धीरे धीरे स्क्रॉल बार की सहायता से आप नीचे आ जाइए। यहाँ पर साइज को छोटा बड़ा यहाँ से कर सकते हैं, जितना आपको साइज में करना चाहते हैं। ये लिखा हुआ व्हाइट है तो इसको हमें ब्लैक करना होगा। तो देखिए यदि हम क्लिक हटा देते हैं यहाँ तो फॉर्म में टैब हट जाता है, और इस पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म में टैब आता है, तो फॉर्म में टैब पर चले जाना होगा। यहाँ शेप फिल में आएंगे और यहाँ से ब्लैक कलर को ले लेना होगा। चलिए अब मुझे नेम लिखना है, तो नेम लिखने के लिए मुझे बॉक्स बनाना पड़ता है। देखिए तो हमें कहाँ जाना होगा, इंसर्ट टैब में जाएंगे, शेप फिल में जाएंगे और यहाँ से देखिए रेक्टेंगल टूल दिखाई दे रहा है, ये लेंगे और यहाँ से ड्रा कर देंगे। आपको शेप फिल कलर कैसा होना चाहिए यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, आपको जैसा लेना चाहते हैं हम रेड ले लेते हैं और जैसे आउटलाइन को हटा देते हैं। ठीक है, ये हट गया। अब इसमें राउंडेड रेक्टेंगल टूल लेना है तो इंसर्ट टूल में जाएंगे और राउंडेड रेक्टेंगल टूल पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ से सीधे पकड़ कर आपको यहाँ पर ड्रा मुझे कर देना होगा, यहाँ से पकड़ लेना है। ठीक है, अब इसमें आपको वाइट है तो थोड़ा सा येलो कर लीजिएगा, आप यहाँ से पीछे वाला शेप को सेलेक्ट कर लेना होगा। फॉर्मेट में जाइए, शैडो इफेक्ट में चले जाना होगा। शैडो इफेक्ट में जाने के बाद आपको ये जो अच्छा लग रहा है यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। देखिए ये आपको पीछे से परछाई के रूप में हो गया। अब मुझे इसमें नेम लिखना है, विलेज लिखना है, तो इस पर शेप को सेलेक्ट करना है, राइट बटन क्लिक करके ऐड टेक्स्ट आता है या एडिट टेक्स्ट आता है उस पर क्लिक कर दीजिएगा। बस यहाँ पर नेम लिख दीजिए, नेम और डॉट डॉट दे दीजिए। कितना साइज में है आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल ले से होम टैब में चले जाइए। यहाँ से साइज को थोड़ा सा 16 कर लेते हैं, 18 कर लेते हैं, जितना आपको अच्छा लग रहा है उतना साइज को आपको ले लेना है। चलिए यहाँ से हम डॉट डॉट देते हैं, इंटर मारेंगे, विलेज लिख देते हैं, रोल नंबर, ये जो लाइनिंग है आप सबका सीधा बराबर कर लीजिए। कीबोर्ड में जो बटन होता है ऊपर नीचे आने जाने के लिए, ऊपर चले जाइएगा और ये बराबर कर लीजिए। अब यहाँ से पेज को साइज छोटा करके आपको दिखाते हैं। देखिए तो ऐसे हम कॉपी का या नोटबुक का फ्रंट पेज कवर बनाते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया है कि हम कॉपी का फ्रंट पेज या फ्रंट कॉपी डिज़ाइन कैसे करते हैं। यदि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि न्यू वीडियो का हमेशा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नेक्स्ट टाइम में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।